तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक और गेम के वीडियो के अंदर। गाइस और आज हम खेलने जा रहे हैं एक और गेम जिसका कि नाम है यहाँ पे रडार 6। अब इस वाले गेम की बात किया ना तो ये वाला गेम पिछले साल ही लॉन्च हुआ था जिसके आपको पता होगा। और इस वाले गेम के अंदर आने वाला था एक बड़ा अपडेट, पर अभी तक उस वाले अपडेट का कोई भी अता पता नहीं है। फिर मैंने इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग की न्यूज देखी जो अनाउंसमेंट थी इसी गेम के स्टार्ट होने के समय, तो वहाँ पे दिखा कि वो जो अपडेट है वो जो है यहाँ पे अभी थोड़ा डिले हो चुका है। पर कोई बात नहीं, फिर मैंने इस वाले गेम को डाउनलोड किया और देखा कि क्या कुछ इसके अंदर थोड़े चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, या कैसा क्या भी ये गेम है, क्योंकि मुझे जो है कुछ बंदों के कमेंट्स यहाँ पे जो है इस वाले गेम को खेलने के लिए आए थे। फिर मैं फ्रॉड से डाउनलोड किया गया तो गेम की साइज वगैरह काफी सेम ही है जैसे पहले थी, और लास्ट अपडेट अगर आप यहाँ पे देखो तो पिछले साल ही इस वाले गेम के अंदर आया था। ठीक है, तो मतलब अभी लगभग लगभग बात करें तो इस साल कोई भी नया अपडेट गाइस हमें अभी तक तो इस वाले गेम के अंदर देखने नहीं मिला है। बाकी इस वाले गेम को हम खेलने वाले पूरे हाई ग्राफिक्स के ऊपर, और जैसे कि आप जानते होंगे ये वाला गेम भी एक बैटल रॉयल टाइप का गेम है जिसके अंदर थोड़े बहुत आपको जो है डिफरेंट टाइप का एक सिनेरियो देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो है ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेन के अंदर उतरना, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स मिल जाएंगे। और वही बात की जाए कि लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला तो जीतेगा ही, पर इसके अंदर गाइस जो है तीन लास्ट मैन स्टैंडिंग बंदे होते हैं। ठीक है, अब वो क्या सारी चीजें सारा सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप गाइस यहाँ पे नया हो, लाइक नहीं है वीडियो को तो फटाफट से लाइक करो और यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों ये आ चुका है हमारा फाइनल प्लेन, और प्लेन से गाइस हम यहाँ पे जो निकल चुके हैं, और सामने आप देखो तो बंदों के पास भी प्लेन के स्किन्स वगैरह भी आ चुके हैं। मेरा ही एक नॉर्मल सा प्लेन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इस पे से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कई भी मतलब जो ये गेम जो है भाई बहुत बंदे अभी भी यहाँ पे खेल रहे हैं। बात की जाए कि इस मैप की तो मैप बहुत ही बढ़िया और काफ़ी अच्छा खासा साइज का आपको देखने मिल जाता है, और बढ़िया सा मैप है गाइस। अब मैप के अंदर भी और मस्त मस्त चीज़ें आपको मिलती है, पर अभी फटाफट से इस वाले लोकेशन के ऊपर हम चलते हैं। ये गाइस आप जो गेम प्ले देख पा रहे हो ये मैक्स ग्राफिक्स का गेम प्ले, जितने हाईएस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स थे गाइस मेरे डिवाइस के अंदर वो सारे मैंने सेट कर लिए। और अभी यहाँ पे जैसे तो फाइनल हम नीचे जंप कर रहे हैं, और सामने आप यहाँ पे हाउसेस वगैरह देखो तो आपको थोड़ी बहुत मतलब जो है पबजी की यहाँ पे याद आएंगी, तो उसी टाइप से थोड़ी बहुत आपको जो है सिमिलर से मतलब इतने भी नहीं है पर थोड़े बहुत सेम से गाइस आपको जो इसके अंदर हाउसेस वगैरह मिलेंगे। अब हम चलते गाइस फटाफट से अंदर, और वहाँ से गाइस फटाफट से लूट करते हैं, और यहाँ पे गाइस देखते हैं कि और क्या चीज़ें गाइस हमें गेम के अंदर मिलती है। अब यहाँ ये जो गेम है ना गाइस, इसके अंदर गाइस आप जो लॉबी से ही गन्स को लेके आ सकते हो, ये एक काफी बढ़िया सा गाइस फीचर आपको गेम के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद सिंपली गाइस आपको फिर आना है गाइस, और आने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत जो भी लूट है जो एमोज है वो सारे कुछ आप यहाँ पे ले। उसी के साथ यहाँ पे बात की जाए गाइस तो यहाँ पे गाइस आप जैसे देख सकते हो अंदर भी से भी गाइस हमें जो ग्राफिक्स क्वालिटी गेम की वो काफी बढ़िया यहाँ पे नजर आ रही है। अभी फटाफट से मैंने जो है गन्स वगैरह के अंदर जो भी एमोज वगैरह लगनी थी वो सारी उठा ली है। अब हम चलते इस साइड, यहाँ पे गाइस मुझे एक छोटा सा साइन कुछ नजर आ रहा है तो वहाँ पे देखने जाऊंगा क्या है। और जिसके यहाँ पे देख सकते हो हम आए गए इस साइड, तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा मिनी डायनासोर यहाँ पे नजर आ रहा है या फिर क्या है मुझे पता नहीं, पर डायनासोर टाइप का कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि रेप्टाइल्स डायनासोर होता है शायद से कुछ क्या अच्छे से नाम होता है इसका, आर पे से आपको बताओ तो आप बताओगे इस टाइप से मुझे एक जो डायनासोर यहाँ पे नजर आया। अभी तक तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है कि मकड़िया वगैरह होती थी, पर अभी यहाँ पे डायनासोर आने लगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज यार गेम के अंदर ऑब्वियसली बात हुआ है। ठीक है, अब आप बताना कैसे आप ये डायनासोर कब से आपको देखने मिल रहे हैं। अब ये भी यहाँ पे डायनासोर था, बहुत ही इसी तरीके से नहीं बढ़ जा रहा है। मुझे पिछली बार याद है मकड़िया बहुत ही खतरनाक होती थी यार, दूर से कुछ उनका जाला फेंकती थी जिससे भाई बहुत गंदा डैमेज पड़ता था, पर इनका तो यार कुछ इतना सही लगा नहीं मुझे। पर जो भी है कुछ नया गैस हमें देखने मिला, बाकी एक बंदा मुझे यहाँ पे नजर आता है तो फटाफट से गैस मैं इस वाले बंदे को निपटाता हूँ। इसको निपटाने के बाद मुझे इससे मिल जाते गए यहाँ पे 19 एलिमेंट यू, तो एलिमेंट यू का यहाँ पे बहुत ही गए चक्कर इस वाले गेम के अंदर है। इसके अंदर गए हमें गेम के अंदर आना तो पड़ता ही, गए सर्वाइव तो करना ही पड़ता है, उसके साथ यहाँ पे जितने हो सके उतने यहाँ पे एलिमेंट यू को भी यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप मेरे आप यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे लेफ्ट ऑफ कॉर्नर पे यहाँ पे देख सकते हो मेरे नाम के आगे आपको जो है एलिमेंट यू की जो भी मतलब अमाउंट है वो यहाँ पे नजर आ रही, तो वैसा कुछ हमें इसके अंदर करना पड़ता होता है। बाकी इसके अंदर भी आपको मस्त ऐसा डोर वोर का सिस्टम भी यहाँ पे देखने मिल जाएगा, ग्राफिक्स वगैरह काफी बढ़िया मिलते हैं। और मैंने जिसके आप यहाँ पे देखा फ्लेयर यहाँ पे चलाई, तो फ्लेयर चलाने के बाद एक यहाँ पे ड्रॉप भी आया, इस वाले ड्रॉप के अंदर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रॉकेट लॉन्च जो कि चलाने में यार बहुत ही मस्त यहाँ पे मजा जो है हमें आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फटाफट से चलते गए आगे और आपको मैं दिखाता हूँ गाइस की और क्या आपको चीजें मिलती है। तो अब गाइस हम एक लोकेशन पे ऊपर आ चुके, यहाँ से फटाफट से पहले तो लूट कर लेता हूँ। और रही बात यहाँ पे बंदों की, तो भाई टोटल आपको इसके अंदर कुछ ज्यादा बंदे तो नहीं मिलते वैसे, क्योंकि इसका अलग सिस्टम, इसके अंदर 20-25 बंदे होते हैं। अब एक बंदे की मुझे गाइस यहाँ पे गाइस जो फ्यू स्टेप्स आ रही है, पर आप यहाँ पे मतलब बाहर जाके अभी मैं इसे फाइट लूंगा, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान दो गाइस एनवायरमेंट पे या फिर वेदर पे। तो गाइस वेदर गाइस जो है हमारा पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह गिरना शुरू हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पे गाइस बारिश शुरू होने
होने वाली है। और जैसे कि आप देख सकते हो, देखते देखते कि यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो गाइस आपको इसके अंदर मैप के अंदर वेदर चेंज वाला भी जो है मस्त ऐसा कुछ इफेक्ट यहाँ पे नजर आता है, जिसके अंदर वेदर भी यहाँ पे चेंज होता रहता है। और ये यार मुझे जो है बहुत ही बढ़िया बात है गेम की। जैसे जो लाइटनिंग वगैरह चमक रही है भाई, वो कितनी बढ़िया लग रही है। और जो भी मतलब यहाँ पे बादल वादल है भाई, काले काले ऊपर छा चुके और पूरा अंधेरा छा गया भाई, और वो इफेक्ट यार देख के भाई मजा सा आ जाता है भाई। मतलब ये कुछ चीज़ इन्होंने यार बहुत ही बढ़िया इस गेम के अंदर दी है। अब यहाँ पे गाइस मुझे थोड़ा बहुत कुछ ये जो चीज़ें मिलती है, जिसकी एक शायद से गन होती है, एबिलिटी होती है, जिसके हिसाब से हम इसको प्लेस करके फिर वो जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फायर करती है। और यार ये वेदर क्या मस्त है। और यहाँ पे आप कैरेक्टर भी देखो तो कैसे चमकने लगा, क्योंकि उसके ऊपर बारिश होगी तो गीला हो गया गाइस, तो उस टाइप से इफेक्ट डाला। यहाँ पे पत्थर भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन नजर आया। जो लाइटिंग वगैरह चमकती ना भाई, उससे भाई प्रॉपर वो भी गाइस हमें चमकते हुए नीचे भी मतलब उजाला चाहते हुए दिखता है। तो यार वो इफेक्ट यार इन्होंने बहुत ही बढ़िया गाइस जो है गेम के अंदर डाला है। मुझे लगता है यार गेम में गाइस कैपेबिलिटी है गाइस, मतलब गेम भाई हो सकता है यार पॉपुलर। बस इनको यार अपडेट देते रहना चाहिए गाइस, और धीरे धीरे गाइस गेम को इम्प्रूव करता रहना चाहिए, या फिर इसके अंदर भाई को अपडेट देकर चेंज ही कर सकते हैं इसको। मतलब नॉर्मल थोड़ा बैटल रॉयल बना दे पूरा, एक ही प्लेयर ऐसा सिस्टम, थोड़ा बहुत ये जो है एक बंदा लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो भाई बहुत ही मजा आ सकता है। और यहाँ पे एक और बंदा गाइस आ चुका है, और शायद से ये लास्ट वाला बंदा है जो कि शायद हमसे बदला लेने आया है। तो फटाफट से गाइस इस वाले बंदों को मैं निपटा देता हूँ गाइस। और देखते देखते हमारे अच्छे खासे वैसे फिनिशेस वगैरह तो हो ही चुके हैं, और देखते देखते कैसे हमारा वेदर भी यहाँ पे गेम के अंदर का जो है चेंज हो चुका है। तो भाई ये एक काफ़ी अच्छा मस्त है आपको सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। अब बात की जाए ओवरऑल मैप की, तो मैप जैसे मैं आपको बताया बहुत बढ़िया आपको मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस आपको मिल जाती है, और इस टाइप से यहाँ पे जोन वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपको ऐसे बड़े से गेज जो है गेम के अंदर जो है मॉन्स्टर भी देखने मिल जाते हैं, जिसको अगर आप निपटाओगे तो उसको आप यहाँ पे जो है आपका पेट या टेम भी उसको कर सकते हो, जो कि फिर आप जिस बंदे को फिर फायर करोगे तो वो उसको मारेगा। तो ऐसे मस्त मस्त से गाइस आपको फीचर्स इसके अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि इस वाले गेम को यूनिक बनाते हैं। बस वही है गाइस कि अभी इसके अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है गाइस, इसके अंदर थोड़े बहुत मतलब जो भी गेम प्ले एक्सपीरियंस है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और धीरे धीरे अगर ये अपडेट लाते तो भाई मज़ा से आ जाएंगे, गेम बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एक बंद मैंने वो जो मशीन है वो प्लेस की थी यहाँ पे, और जैसे वो डायनासोर आया तो उसने वो मशीन ने मतलब उसको बहुत ही आसानी से फायर करके निपटा दिया। और उसका जो है हेल्थ है ना धीरे 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 कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली शायद से कम होते जाता है, एक बार लगाने के बाद ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो लग जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे एक बंदा मुझे उधर से दूर से आते नजर आता, क्योंकि हमें कैसे इसके अंदर जीतने के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर से इवैक्यूलेट करना होता है, मतलब हेलीकॉप्टर से भाग निकलना होता है इस वाले मैप से, जो कि मस्त मिलता है। मतलब अब समझ लो जीत गए, तो अब यहाँ पे मैप में रहकर थोड़ी कोई फायदा, क्योंकि अब तो अकेले बचेंगे। ये सिस्टम इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मिलता है, और जैसे आप देख सकते सामने वाले बंदों को तो मारा, पर उसने गाइस एक मैजिकल ग्रेनेड मेरे पे फेंका और मैं यहाँ पे मतलब जो है मुर्गी यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फटाफट से गया उसके पास ही हेलमेट यू उठाए, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट हमें करना पड़ता, तो यहाँ पे एक सामने हेलीकॉप्टर था जो कि आ गया था लगभग। तो ऐसे तीन जगह पे गए पूरे मैप के अंदर हेलीकॉप्टर आते हैं लास्ट जोन के अंदर, जिसके अंदर से गए यहाँ पे सीढ़ी आती है ऐसी, इसके ऊपर आपको चढ़ना है और बहुत ही आसानी से गए फिर आप जो है ये वाली मैच जीत जाओगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम गाइस आपको जो है इस वाले गेम के अंदर मिलता है, और इस टाइप से आप इवैक्यूएट इस टाइप से विक्ट्री यहाँ पे जो हो जाती और आप जीत जाते हो। और जितने भी आपने लास्ट एंड मूवमेंट पे जितने मतलब हेलीकॉप्टर चढ़ने से पहले एलिमेंट होंगे उतने सारे सारे आपको यहाँ पे मिल जाते। तो इस टाइप से गेम था, मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर।